पॉइंट टुडे में आप सब हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में जो वैकेंसी आती है, एक तो जो नॉर्मल वैकेंसी होती है उसमें सब टोटल लोग फॉर्म भरते हैं। उसके अलावा आपकी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसका आपको पता नहीं चलता और वैकेंसी आकर निकल जाती है। इसी क्रम में जो अलग जो वैकेंसी आती है उसी से संबंधित ये नया वीडियो है। और पहले अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में अन्य वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि राजस्थान की जो अलग अलग तरीके से जो वैकेंसी आती हो, चाहे तो चाहे वो रोडवेज के अंदर हो, राजस्थान रोडवेज में आर्टिजन ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड, या आपके NTT हो, या आपके जितने भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आती हैं, उस सब के बारे में वीडियो डालता रहता हूं। उसी से संबंधित है ये राजस्थान हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। इसको सैनिटरी इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं, HSI हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एक ही नाम है, सैनिटरी इंस्पेक्टर एक ही नाम इसका, स्वास्थ्य निरीक्षक एक ही नाम है इसका, मलेरिया इंस्पेक्टर ये भी सेम है। टोटल दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये पोस्ट है इसके लिए आपको एक साल का कोर्स करना पड़ता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भर्ती विज्ञापन ये पूरा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरी डिटेल बताऊँगा आज। उससे पहले अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब टोटल बात इस वीडियो के बारे में ऐसे में जैसे कि इसकी क्या योग्यता है, इसमें दोस्तों आपके एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट इसमें इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो आपके छावनी परिषद कंटेनमेंट बोर्ड यानी अजमेर कैंट के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें दोस्तों आपके सिविल इंजीनियर की भी है, सफाई कर्मचारी की भी है, और चौकीदार की भी है, और अन्य प्रकार की वैकेंसियाँ भी है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। अपना जो टारगेट मेन है दोस्तों वो सैनिटरी इंस्पेक्टर HSI वैकेंसी है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ये है। इसका इस वैकेंसी में सिलेबस क्या रहने वाला है, आने वाली जो राजस्थान में राजस्थान नगर निगम हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आएगी अभी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो आपके कार्मिक विभाग ने इसको स्वीकृति नहीं दी है, और पद बढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों आजकल क्या कि सफाई के मतलब स्वच्छता के बारे में ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा ये अभियान चल रहे हैं, उसी के संबंध में ये भर्तियाँ आ रही है लगातार। पूरे देश के जो कंटेनमेंट वोन है, छावनी परिषद है, उनमें अलग अलग वैकेंसी आ रही है। उसी क्रम में ये जो आपके कंटेनमेंट बोर्ड अजमेर है, ये सिटी के अंदर ही है, पल्टन बाज़ार अजमेर राजस्थान के अंदर है ये, और ये टोटल उसकी ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो अब दोस्तों अगर आपको आपने अभी तक नेक्स्ट वैकेंसियों के लिए जैसे कि एम्स में आती हैं, रेलवे हॉस्पिटलों में आती है, कौन सी वाली, इसको सफाई निरीक्षक की वैकेंसी भी बोल सकते हैं हम, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, टोटल एक ही नाम है दोस्तों। और जो दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पे था ये आपके छावनी मंडल में आ गई, सेकेंड नंबर पर आपके एम्स में आएगी, थर्ड नंबर पर आपके रेलवे हॉस्पिटल में आएगी, और चौथे नंबर पर आपकी नगर पालिका नगर परिषद में। जो सबसे हाईलाइट वैकेंसी है नगर पालिका नगर परिषद की है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर सफाई निरीक्षक भी इसको बोल सकते हैं, उसमें अब की बार 300 से प्लस वैकेंसी आने के चांस हैं। और ये इसको अभी टाइम लगेगा, तो अभी तक आपने कोर्स नहीं किया है डिप्लोमा, इसका एक साल का डिप्लोमा होता है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो दिए गए सामने नंबर पर कॉल सकते हैं, कर सकते हैं, या अगर आपको बुक चाहिए इससे संबंधित, इस भर्ती से संबंधित बुक चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पूरा भर्ती विज्ञापन क्या है आज। ये दोस्तों आपके 9 दिसंबर को ये रिलीज हुआ था, आपके छावनी परिषद अजमेर में निम्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ स्पेशल बात किया है दोस्तों, आज के ज़माने में छावनी परिषद अजमेर ने ऑफलाइन फॉर्म लिए, कौन से ऑफलाइन, तो ये थोड़ी दुविधा की बात है, ऑनलाइन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती ऑनलाइन में, तो ये ऑफलाइन में अपना जो सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें। सबसे पहले क्या करना है, अपने को करना है फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट पर जाकर, वो फॉर्म भर के लिफाफा समेत टोटल जो प्रक्रिया मैं इसके बाद बताऊँगा, ये टोटल दोस्तों है आपको दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड करना है, अभी बता दूंगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के शीर्ष पर नीचे उल्लेखित पद आवेदन का स्पष्ट रूप से होना, यानी स्पष्ट बात तो है कि जो आप आवेदन कर रहे हो उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर ये लिफाफा है, उसमें दोस्तों आपके लिफाफे के शीर्ष पर नीचे उल्लेखित पद यानी शीर्ष ऊपर ही ऊपर आपको कौन से फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो होना चाहिए स्पष्ट बात। तो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि समाचार रोजगार पत्र प्रकाशन 30 दिन तक होगी, यानी आपकी 9 दिसंबर हो गई तो दोस्तों आपके समाचार पत्र में आया ये आपके
15 दिसंबर को, यानी आज ही आया था, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो आवेदन है यहाँ पहुँच जाना चाहिए। उसके अलावा जो अन्य राज्य है दोस्तों आपके कौन से, उसको जो ये यहाँ राज्य दे रखे हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लाहौल स्पीति जिले, हिमाचल प्रदेश का जो पांगी जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले उम्मीदवारों को 2 सप्ताह का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो डाक आने में टाइम लगता है। उसी के क्रम में दोस्तों ये सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता यानी JEN सिविल की जो पोस्ट है, एक है सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, या आपके सिविल इंजीनियरिंग में जो डिग्री 4 साल की बीटेक, ये सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और LTEL की वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा आपके मेल नर्स ग्रेड सेकंड L11th की वैकेंसी है, ये लेवल 11 की, इसमें दोस्तों आपके BSc या GNM नर्सिंग में इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लाइनमैन कम फिटर, लाइनमैन के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है L5 की, अच्छी वैकेंसी है, 10th के पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए फिटर में, किसके लिए, फिटर ITI के लिए। रिलीवर की जो आपके दोस्तों आपके रिलीवर है, इसके लिए 5वीं पास, सफाई वाले के लिए 5वीं पास यहाँ अनिवार्य है। ड्राइवर की एक वैकेंसी है दोस्तों, और ये वैकेंसी आपके 8वीं पास, 8th और प्लस आपके हेवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ये है। और चयन प्रक्रिया दोस्तों आपको लिखित परीक्षा जो सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होगा, चपरासी के लिए दोस्तों 5वीं पास, चौकीदार के लिए 5वीं पास और दोस्तों सफाई निरीक्षक, ये वैकेंसी आई अपने लिए, कौन सी, सफाई निरीक्षक सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं L8 2800 ग्रेड पे, कितनी 2800 ग्रेड पे की होती है L6। और दोस्तों इसमें एक पद है अभी वर्तमान में, और दोस्तों आपके नगर पालिका, नगर परिषद और जितने भी रेल ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भी ये दोस्तों पोस्ट है वो सर्जित हो रही है। तो इसमें दोस्तों आपके 10th चाहिए, 10th के साथ में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का होता है दोस्तों ये डिप्लोमा, नॉर्मल तरीके से हो जाता है, सभी पास हो जाते हैं इसमें, इसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे कि अन्य एग्जाम में मिलती है आपको। ये तो हो गई दोस्तों आपके सफाई निरीक्षक, जो आपके हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर इसको बोल सकते हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक भी बोल सकते हैं, स्वच्छता निरीक्षक, क्या स्वच्छता, स्वच्छता ये दे रखा है स्वच्छता में, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में डिप्लोमा, यानी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल के लिए। आयु यहाँ की दे रखी है दोस्तों आपके लिए SC ST के लिए, आपके SC और ST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 साल और EWS और अनारक्षित जनरल के लिए 30 साल। उसके अलावा दोस्तों आपके विभागीय उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ पर 40 साल दे रखी है, और दोस्तों इसमें आपके आयु छूट भी यहाँ पर दे रखी है, और भूतपूर्व सैनिक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कैसे जमा कराना होगा आपको, ये दोस्तों बहुत ही ध्यान से भरना है, DD ड्राफ्ट आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको SC ST भूतपूर्व सैनिक, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग महिला, PH उम्मीदवार और ट्रांसजेंडर विभागीय उम्मीदवार को छोड़कर, यानी ये इन सबको छोड़कर 300 रुपये देने होंगे, यानी आप SC ST और भूतपूर्व सैनिक, विधवा, तलाकशुदा में आते हैं तो आपके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जो दोस्तों 300 रुपये का जो आपके ये पैसे जमा कराने कहाँ पर है, मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद अजमेर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, यानी ये इसका नाम लिखना है आपको वहाँ डिमांड ड्राफ्ट में, मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद अजमेर। और दोस्तों आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, भविष्य में भर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, ये सेम बात है। अब दोस्तों आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या आपको दस्तावेज लगाने हैं, क्या अभी आपके जो रनिंग वाले, यानी अभी रनिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो वो अभी हाल फिलहाल फॉर्म नहीं भर सकते, क्या वो अभी रनिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मार्कशीट मांगी है, तो देश ये 5वें नंबर पर जो पॉइंट है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, ये स्पष्ट दे रखा है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, 2 स्वयं का पता लिखा हुआ जिस पर 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो, 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, पीछे की तरफ से स्वयं द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित, ठीक है, फोटोग्राफ के पीछे आपके साइन होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आपका जो सेवा मुक्त प्रमाण पत्र, पेंशन, PGO, सेवा प्राप्ति, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र थी, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रहती महिलाओं के लिए जो आपके दस्तावेज जमा कराने होंगे, और पुनर्विवाह नहीं करने का भी जमा प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अनुमर अगर आपके पास कोई अनुभव है, आप कहीं संविदा पर काम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। आरक्षित पदों के लिए स्वयं द्वारा स्थापित जाति प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आपके जाति प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पर लगानी है।
EWS के लिए आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका लगवाना है। और प्रवेश पत्र सम्मन, दोस्तों आवेदन की जांच की जाएगी। प्रवेश पत्र केवल योग्य उम्मीदवारों को ही डाक, ईमेल या छावनी परिषद की वेबसाइट द्वारा भेजा जाएगा। यानी अगर आप योग्य हैं तो ही भेजा जाएगा, बाकी नहीं भेजा जाएगा। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में जो आपकी डेट है दोस्तों अलग से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों चयन की जो विधि है कैसे है, तो एग्ज़ाम होगा सभी प्रकार के पदों के लिए। उसी में दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल है, अंतिम चयन और मेरिट केवल लिखित परीक्षा पर 120 मिनट की अवधि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 120 अंक होंगे इसमें दोस्तों, और अंग्रेजी या हिंदी दोनों में यह पेपर आएगा। ये मेल ग्रेड नष्ट द्वितीय यानी आपकी जो कंपाउंडर सेकंड ग्रेड है उसमें भी दोस्तों 120 नंबर है, और 100 यानी 2 घंटे का है। और क्या क्या आने वाला है ये नीचे बताएंगे। टोटल 2 घंटे का पोस्ट ये पेपर है इसमें। रिलीवर के लिए दोस्तों आपका केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी अंतिम चयन। सफाई वाले के लिए भी 2 घंटे की एग्जाम होगा। ड्राइवर के लिए दोस्तों अंतिम चयन योग्यता केवल लिखित परीक्षा के आधार पर और स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा। यानी केवल आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करके वहां पर दिखाना होगा। स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए नहीं माना जाएगा। यानी दोस्तों आपके केवल एग्जाम ही पास करना आपको जरूरी है और केवल आपका आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। चपरासी के लिए भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। चौकीदार केवल लिखित एग्जाम होगा। सफाई निरीक्षक की बात करें तो दोस्तों ये हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आपके 120 मिनट की अवधि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी प्रश्नों का यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 120 अंक के होंगे, वो भी 2 घंटे के। और दोस्तों इसमें एक अलग से कौशल जो एग्ज़ाम है वो उसमें नहीं होगा। उम्मीदवारों लिखित परीक्षा के सारणी दिए गए निम्न वेबसाइट पर जाना आवश्यक है। यानी कि इसमें दोस्तों आपके वो नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के उम्मीदवार चिन्हित गलत उत्तरों के लिए 1/3 आपका जो आपके 1/3 माइनस मार्किंग होगी। इसमें योग्यता केवल भारत के नागरिक या अन्य प्रकार के नागरिक इसमें भर सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ये दोस्तों आपके 120 अंक होंगे। 120 मिनट की अवधि में 120 क्वेश्चन, टोटल 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों आपके कनिष्ठ अभियंता यानी JEE सिविल के लिए जो 120 क्वेश्चन है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश और सिविल इंजीनियरिंग संबंधित ये आपके आएंगे। मेल नर्स ग्रेड सेकंड में आपके सेम ही है दोस्तों टोटल, और यहाँ पर कौशल परीक्षा और सामान्य नर्सिंग का पाठ्यक्रम आएगा। ये दोस्तों टोटल जो 4 पार्ट है सेम, और 5वें पार्ट के जो दोस्तों आपके कौशल एग्जाम यानी कि जो आपकी जिस सब्जेक्ट से हो वो आने वाला है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं दोस्तों 5वीं पास के लिए, सभी के लिए एग्जाम है। 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और सफाई निरीक्षक की बात यहाँ पर करें तो सफाई निरीक्षक में दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता, अंग्रेजी और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से संबंधित एग्जाम और कौशल परीक्षा ये केवल अनिवार्य होना, पास से कौशल परीक्षा केवल पास होना अनिवार्य है। यानी इसके एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ेंगे। कौशल में नॉर्मल तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप सफाई किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से नहीं रखते हैं। इसमें दोस्तों सामान्य बुद्धि में मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीके से शामिल होंगे। ये टोटल जो सामान्य सूचना ये अंतिम रूप से विज्ञापित रिक्तियों की संख्या केवल अनुमानित है और चयन के लिए अंतिम रूप देने से पहले किसी भी रिक्ति के संबंध में संशोधन के लिए उत्तरदायी है। यानी जो विज्ञप्ति में पद है वो अधिक या कम हो सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, या अभी तक आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो सामने दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डिप्लोमा की आपको बता दी कितनी विश्वसनीयता वर्तमान में बढ़ती जा रही है। और दोस्तों अगर इस वैकेंसी के लिए आपको बुक चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सामने जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये बाकी दोस्तों इसमें ये विज्ञप्ति में आपको पूरी विज्ञप्ति अपने टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों स्टडी पॉइंट टुडे यानी पूरा नाम है इसमें स्टडी पॉइंट टुडे, वहाँ पर मैं ये विज्ञप्ति डाल दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी जो पूरी नियम जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है आने वाले राजस्थान में सफाई निरीक्षक यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाले टाइम में बहुत ही अधिक विश्वसनीय होगी। धन्यवाद।